दीनदयाल जी ने मूलतः मानव की जो समग्रता है उसके संबंध में ये निश्चित एक आधारशिला बनाई कि मानव केवल शरीर नहीं, मानव शरीर मन बुद्धि और आत्मा चारों मिलकर के एक एकात्म व्यक्तित्व है और इन चारों का संतुलित विकास यह मानव का विकास है। इस दिशा में जहाँ तक दर्शन का प्रश्न है ये तो हमारे संपूर्ण हिंदू जीवन दर्शन में आया हुआ है, लेकिन आधुनिक काल की परिस्थिति में उसे स्पष्टता देने का काम कोई नहीं कर रहा था, वो दीनदयाल जी ने किया है और इसलिए आज भी उनका चिंतन उपयुक्त ही नहीं है। तो उस चिंतन को कार्यान्वित करना यह भावी समस्याओं के निराकरण का माध्यम बनेगा।